बाद हम पहुंच गए यहाँ पे, बहुत सारी फोटो खींचने के बाद, लेकिन हमें अंदर से शूट नहीं करने दिया, और हम यहाँ से अपने शूज वापस पहने। तो आइए सोलन व्लॉग विकास नगर के साथ आपको अच्छी चीजें दिखाते हैं। बहुत बड़ी और बहुत क्यूट लग रहा है। रास्ता है थोड़ा सा दूर की, कैमरामैन सोनम यूट्यूबर के साथ है ना, और ये बहुत ज्यादा थक गई बेचारी। तो हम लोग अपने रास्ते के, अपने मंजिल के बहुत करीब ही करीब हैं। अभी मैं जल्दी से गई और मैंने मंगाई थी ऑनलाइन ये कुर्ती, और मैंने ये पहन लिया, देखिए मैं कैसे लग रही हूँ। और मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, और हम लोग निकलने वाले हैं देहरादून के लिए। मैं जा रही हूँ देहरादून घूमने बुद्धा टेम्पल, वो जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, मैंने ऐसा सुना है, और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। हम लोग अपने रास्ते के, अपने मंजिल के बहुत करीब ही करीब हैं। और देखो मैंने इनको मना किया था बैग लेके मत आना, फिर भी हीरोइन उनके बैग लेके आई है। वाह यार ये एरिया कितना शांत है ना, मेरे बाल तो बिल्कुल ख़राब हो गए। ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, एक बार चेक करो आप, लगो भाई इधर कितनी दूर है, पहुँच गए बस। तो आइए ले चलते हैं आपको बुद्धा टेम्पल। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बुद्धा टेम्पल, हम लोगों को रास्ता भी नहीं पता था, गूगल करते 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 बस में धक्के खाते खाते पहुँच गए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप धूप हो रही है और बारिश का हाई अलर्ट था वैसे आज, आज कल का था, पर देहरादून के मौसम को तो आप जानते ही हैं, कुछ नहीं पता कब बदल गए। वाले बस हम थोड़ी सी दूर है, और मैं तो पहले ही थक गई बताओ। हेलो गाइस, 16 दुनी 22 देख रहे हो उसके बैठे हैं साइड। तो यहाँ पर हो रही है बहुत धूप, और इसलिए नेक्स्ट का फुल धूप में निकल गया हमारा पसीना, खून पसीने की मेहनत की कमाई। चलो इधर इधर जाना, इधर जाना।
ये है आपका बुद्धा टेम्पल और ये दिखने में बाहर से इतना प्यारा लग रहा है, वाह बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, ऐसा एकदम गोल्ड जैसा लग रहा है, ये दूर से चमक रहा है और इसके बाहर से ही इतनी खूबसूरती है, तो अंदर जाके तो आप समझ ही सकते हो कितनी अच्छी खूबसूरती होगी। जो घर बने हुए हैं इधर साइड में, आगे पीछे दुकानें हैं, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई है, बहुत अच्छी जगह है। फिलहाल अंदर से देखते हैं कैसी है। गाइस हम पहुंच चुके हैं, हरियाली मेन डोर शायद इधर से एंट्री। हम लोग ना बुद्धा टेंपल के ना, मतलब बुद्धा टेंपल नहीं गए, हम लोग ना वहाँ चले गए थे जहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी है, उधर यूनिवर्सिटी में पहुँच गए थे हम गलत जगह चले गए थे, और ये बुद्धा टेंपल इधर है थोड़ा सा इधर, और ये पीछे देख सकते हो आप, वहाँ पे सब लोग फोटोशूट कराते हैं, और वो वाली वहाँ पे बड़ी वाली प्रतिमा है उनकी, हम लोग वहाँ जाएंगे उसके बाद घर जाएंगे। मैं और ये बहुत ज़्यादा थक गई बेचारी, गर्मी में थकी नहीं मतलब गर्मी लग रही है इनको, और हम लोग ना वहाँ जाएंगे पहले, नहीं बाद में वहाँ जाएंगे, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। क्या और यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है ना ही कोई है, क्योंकि सुबह 10 बजे पहुँच गए हम लोग। डोल तुम्हारा नाम क्या है? मेरा अच्छा अभी से बना ली। ये हमारे फ्रेंड बन गए अंकल। हम जो है अभी जैसे ना कुछ ग्रुप्स हो गए, कुछ हो गया तो हेल्प कही होगी ना। हाँ जी हाँ जी, ओके थैंक यू। ये उतर गई वहाँ से, फर्स्ट टाइम लगा लो। हाँ जी हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए। स्लीपर उतारनी पड़ती है क्या? तो गाइस अपने पास स्लीपर उतारेंगे अपनी, पहले पूछ तो लो। तो पूरा दिन पर ऐसे घूमेंगे क्या सब जगह? हाँ टिकट लगा लूँगी बिंदी में। शूज़ दे दिए हमने, पर्ची दिखाओ। लो नंबर भी मिल गया हमें हमारे शूज़ का बाबा। चलो तो हम लोग इधर जाएंगे। वाह इट्स अमेजिंग, लामो बोलते हैं इनको। आई ये बहुत बड़ी और बहुत क्यूट लग रहा है। पहले मंदिर चले, फिर चप्पल पहने, पैर धुल जाएंगे। ओके फिर यहाँ बनाएंगे। ये रखो संभाल कर, मैं भी धुल लेती हूँ, पकड़ो। कैमरामैन सोनम यूट्यूबर के साथ मंदिर प्रवेश करने वाले हैं। फाइव लाइन्स हैं ऊपर, आप जाओ अंदर ले जाना, बिल्कुल मना है। फोटोग्राफी नहीं करनी अंदर, ना ही वीडियोग्राफी करनी है, तो अंदर से तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकती, लेकिन बाहर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोग देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। ये शायद बाहर का डोर है। यहाँ की ब्यूटी बहुत ही प्यारी है, लेकिन मैं थोड़ा धूप में आई हूँ इस वजह से मुझे गर्मी लग रही है, और इधर साइड में जंगल भी है, और मुझे काफ़ी अच्छी जगह लग रही है, बहुत पीसफुल प्लेस है, और ये प्रतिमा बहुत बड़ी है। लुक एट दिस, तो कभी आपका देहरादून आने का मन हो तो आप बुद्धा टेम्पल भी ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह, मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी, और अभी मैं आधी जगह में ही घूमी हूँ सिर्फ, ज़्यादा में नहीं गई, मुझे पसीना भी आ रहा है इधर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो मैं इधर से आगे चल रही हूँ, मैं उधर से घूम के आई पूरा राउंड लगा के। और यहाँ पे ये होता है, इसमें ना विश बोलते हैं, विश मांगते हैं यहाँ पे शायद। कौन 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 मिला? पूरा राउंड लगा के आओगी मैं उधर से, ये पूरा राउंड काफी बड़ा है ये अंदर से। हाँ जी थर्ड फ्लोर मिला कि नहीं मिला? पहले बहुत बड़ा है ये, ऊपर थर्ड फ्लोर है, वहाँ लास्ट में ऊपर कहीं चले। क्या पूछ रहे हो आप, क्या हो गया घर पे? ये छाता लेके आना पड़ता हमें, है ना? खोल लो ना,
खोलूं छत से के अंदर जाएंगे तो अंदर फोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना मीन्स बिल्कुल मना, फोन ले जाना ही मना है ये समझो आप, इसलिए मैं अंदर फोटोग्राफी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बाहर से ऐसे दिखा रही हूँ। ये थर्ड फ्लोर है, ऊपर आ जाओ, लेकिन फोन यूज करना बिल्कुल मना है। तो हम लोग ऐसे ही घूम के वापस आ रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और टूरिस्ट लोग आए जा रहे हैं और भीड़ बढ़ी जा रही है थोड़े थोड़े धीरे 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 धीरे। मेरी बिंदी कैसे लग रही है? चलो फोटो। वो इनकी चॉइस थी और इन्होंने भी लगाई है, छोटी सी दिखाई दे रही है। हाँ, और हमारे जो न्यू फ्रेंड मिले थे अंकल लोग, वो नीचे चले गए, तो चलते हैं अभी। चलो स्कार्फ ले लिया आपने? चलो 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 शुभांगी में। के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे बहुत सारी फोटो खींचने के बाद, लेकिन हमें अंदर से शूट नहीं करने दिया। और हम यहाँ से अपने शूज़ वापस पहने, यहाँ से पहन सकते हैं ना, तो हम शूज़ पहने जा रहे हैं, उसके बाद हम उधर जाएंगे। और यहाँ की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा। और ये अंकल हैं, पूरा दिन भर लोगों की सेवा करते रहते हैं, शायद इनको हमारी हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी इनको शायद हिंदी समझ में नहीं आती। और हम इधर से आए थे और अब हमें इधर जाना है। दो यार पहनने में टाइम लग गया पहनने में। हाय, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया। पहुंच गए वो लोग। चलो, हमारी जो नई फैमिली हमें मिली थी, एक फैमिली मिली थी हमें, वो हमारे फ्रेंड बन गए। चलिए फोटो ले लो, जा रहे हैं उधर। और शुभांगी मैम आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे बता दो एक बार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और लेकिन अब जाके मौसम थोड़ा सही हो गया ना। हाँ, और यहाँ पे जगह जगह बैठने के लिए, अगर आप थक जाते हो तो आप बैठ सकते हो यहाँ पे। फोटो ले रहे हो आप या नहीं ले रहे? ये बिल्कुल भी मेरी फोटो नहीं खींच रही है। हाँ, आज मैं ऊपर फोन। क्या कर रहे हो? कितने साल लगा दिए घूमने? अगर तो घूम मेरे पास तो कैमरा ही बंद था तब तक। मुझे पता ही नहीं चला इसने। एक ही बार दबाया, अब बंद हो गया। एक बार चलो फिर से। हमने वीडियो भी शूट कर लिया, उसको हम उसमें डालेंगे। अंकल भी आ गए। हेलो बेबी, हाय। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना ही पसीना हो गया मेरे को, तो इतनी गर्मी लग रही है देहरादून में बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि थोड़ा मौसम हमारे ऊपर रहम कर दे, पर मौसम रहम करने वाला तो है नहीं, तो हम लोग भी ऐसे ही घूम रहे हैं। और ये देखो, ये प्रतिमा कितनी अच्छी है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। औसम व्यू है यहाँ पर। इसके सामने हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की है, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। उधर भी बहुत कुछ है, उधर साइड में बहुत कुछ है। और यहाँ देहरादून में घूमने लायक जगह एक टेम्पल है, ये बुद्धा टेम्पल। ये लोकेशन है आपकी लेमन टाउन आइस बीटी के बाद, थोड़ा सा बाद, जीएमएस रोड से भी आगे, आइस बीटी से भी आगे, लेमन टाउन वहाँ पे ये है आपका बुद्धा टेम्पल। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आप किसी से पूछोगे तो आपको इजीली इसकी लोकेशन मिल ही जाएगी। हाँ, तो आइए सोलम ब्लॉग विकास नगर के साथ आपको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं।